कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही ग्वालियर में भी कोरोना के एक बार फिर से मरीज आने लगे हैं और तीसरी लहर की आहट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारियों को लेकर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता का कहना है कि दूसरी लहर में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, यही कारण है कि अंचल के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। उनका ड्राई रन भी हो चुका है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक भी लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मरीजों को बेड के लिए ना भटकना पड़े, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्वालियर में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी ब्लॉक पूरी तरह से तैयार है। साथ ही में यहाँ पर आवश्यक संसाधन भी जुटा लिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर अभी बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, कुछ लोग इसे तेज़ी से फैलने वाला और अधिक नुकसान देह बता रहे हैं, जबकि जिन देशों में यह वायरस दस्तक दे चुका है वहां के लोग इसे कम असरदारक बता रहे हैं। इसको लेकर WHO की विस्तृत गाइडलाइन आ गई है। उनका अध्ययन हमारे विशेषज्ञ करने में जुटे हुए हैं। जो नया वेरियंट आया है, वो वेरिएंट के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसकी ना अलग अलग तरीके के इसमें बिंदु आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है, पर जिन देशों में यह अभी पाया गया है उनका कहना है कि शायद इतना ख़तरनाक नहीं है। दूसरा, हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है बड़ा अच्छा हुआ है पूरे देश में। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। उस वैक्सीनेशन से भी हमारे डॉक्टरों को काफ़ी विश्वास है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो रहेगी वो लिमिट होगी। नया वेरिएंट भी उसमें इतना तेज़ी से आशा करते हैं कि हानि नहीं करेगा, पर फिर भी ये सब कंजेक्चर्स हैं। इसकी डेफिनेट स्टडी इतनी जल्दी हो नहीं सकती है। और वायरस जो है म्यूटेट करते रहता, चेंज होते रहता है, तो हर वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और उसका आगे किस तरीके का एक्शन रहता है वो अपन नहीं कह सकते। अभी फ़िलहाल WHO से आजकल में ही कुछ इंस्ट्रक्शंस आए, कुछ इसके बारे में कुछ लेटर आए हैं जो हमारी विशेषज्ञ टीम जो है वो स्टडी कर रही है और उसके बाद में फिर इस पर कार्रवाई आगे सुनिश्चित। मेडिकल कॉलेज में किस तरह की तैयारी है अस्पतालों को लेकर, किस तरह से व्यवस्था जो पिछले ऑक्सीजन और ये सब? देखिए, अब बताएं, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स तो तैयार हो ही गए हैं। नए जो लिक्विड ऑक्सीजन के हैं उसका भी आदेश जारी हो गया है। नए बड़े प्लांट्स और बड़े टैंक्स लग रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन के, और एक्स्ट्रा बेड्स के लिए हमारा जो सी ब्लॉक है 1000 बेडेड का वो तैयार है। कुछ फर्नीचर भी हमारे पास तैयार है और एज सच हमारी डॉक्टरों की टीम की भी बराबर ट्रेनिंग प्रक्रिया चल रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर फिर भी कुछ गड़बड़ी स्थिति होती है और तेज़ी से अगर संक्रमण फैलता है तो हम इसमें पूरी तरीके से इस बार तैयार हैं और इससे लड़ने के लिए सक्षम भी हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।